अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद शाहजान है और मैं आपके लिए रोज़ कोई ना कोई पैसे बनाने की टेक्निक शेयर करता हूँ ट्रेडिंग के। और अभी ये जॉब्स का मैं बता रहा हूँ आपको, तो साइड साइड रोज़ डेली दोनों चीज़ें आपको अपडेट करता रहूँगा। मकसद यही है, पैसे बनने चाहिए बस आपके। ठीक है, तो अब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये एक लेटर इशू किया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि इन्होंने जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है इंजीनियरिंग कैडर के, उसकी एज बढ़ा दी है। फॉर ऑल अबव पोस्ट एज लिमिट और इज मिनिमम, कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होनी चाहिए। रिलैक्सेशन देंगे 15 इयर्स की, जहाँ पर उनको, जहाँ पर जो उस कैटेगरी में आता है। ठीक है, अदर टर्म्स एंड कंडीशन प्रिस्क्राइब इन एडवर्टाइजमेंट शैल रिमेन सेम। बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। अब ये देख सकते हैं आप, सिविल इंजीनियरिंग कैडर हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड थ्रू फीचर वाइड 7/10/2020 एडवर्टाइजमेंट नंबर नीड टू नॉट टू अप्लाई अगेन। मतलब आप दोबारा उनको ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने की, जिन्होंने इस डेट तक कर दिया है। ठीक है, और अप्लाइड मैनुअली, किसी ने मैनुअली अप्लाई किया 2019 में, तो आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन फीचर ऑलरेडी पेड चलान। दी डेडलाइन इज 13/7, मतलब 13 तारीख है डेडलाइन इसकी आखिरी। तो जिन्होंने भी एज जिनकी निकल गई थी, तो वो 30 ईयर्स तक अब कर दी है एज। ठीक है, और दूसरी एक और चीज़ है कि अभी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने जॉब्स लगाई हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की, जिसके अंदर वो मांग रहे हैं बैचलर्स इन इंजीनियरिंग एटलीस्ट 72nd डिवीजन रजिस्टर्ड विद प्रोफेशनल इंजीनियरिंग, मतलब PEC से उसके बाद लाइसेंस होना चाहिए। अब रूरल जो एरियाज हैं वो हैं 4 और अर्बन की हैं 3। ओपन मेरिट फीमेल का कोटा अलग है, 1 है रूरल में बस। और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल BPS 17, ये भी BPS 17 है, तो इसमें भी 2nd डिवीजन क्वालिफिकेशन वही PEC की रजिस्ट्रेशन। बाकी सीट्स इसमें रूरल अर्बन आप देख सकते हैं इसमें कितनी है। डिफरेंशियल एबल पर्सन माइनॉरिटी फीमेल, इनकी सीट्स ये आ गई। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल की बात हो रही है, BPS 17 क्राइटेरिया वही बी होनी चाहिए 2nd डिवीजन में, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का लाइसेंस होना चाहिए, रूरल की 2 सीटें अर्बन की एक, तो टोटल आपके पास 3 सीटें हो जाती हैं। बाकी इसमें सारी चीज़ें लिखा है इसमें कि आपके पास ओरिजिनल चालान आप 1,000 का भर रहे हैं, उसके बाद पेड चालान इंटरव्यू के टाइम पे आपको ले जाना पड़ेगा। SPSC की वेबसाइट पे जाएं, डोमिसाइल चीज़ें वहाँ ऑनलाइन फिल करें, उसको जाके सारी चीज़ें देख के भरें। और रिलैक्सेशन अगर आप पे अप्लाई होती है तो प्रॉपर NOC लें। इन एलिजिबल कैंडिडेट्स भी इसमें आपको मेंशन कर दिए जाएंगे जब आप फॉर्म खोलेंगे, तो आप ये देखें ऑनलाइन एप्लीकेशन ये इस टाइम तक क्लोज हो जाएंगी। क्लोजिंग डेट 28/11/2022, सेक्रेटरी साहब के सिग्नेचर। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए ताकि कोई मिस अपॉर्चुनिटी आपसे मिस नहीं हो। तो अगर आपको डेली के वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।